স্বাগতম জানাইছো মই হিমাক্ষী সমাধান হোৱা নাই কৃষকসকলৰ সমস্যা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৰতে জি আলোচনা কৰিছিল কি আলোচনা বিফল হৈছে যাৰ বাবে পুনৰ দিল্লী কপাবলৈ এটা হাজু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক হাজু হৈছে কিন্তু কৃষকসকলে কি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিল জানাইছো খবিখেক লৈ আহিছো এই মুহূৰ্ত লৈ আহিছো কৃষকসকলৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱক অগ্ৰাহ্য কৰিছে কৃষকসকলে केन्द्र सरकार जो प्रस्ताव दी से अग्राह्य कर समाधान सूत्र उलवा ना कृषक और केन्द्र सरकार मजब केन्द्र सरकार और कृषक समस्या समाधान हुआ ना एक फेब्रवर पुनः आरम्भ हम दिल्ली चलो अभियान यह मुहूर्त जाना कृषक समस्या समाधान हुआ ना कृषक एम एस पी माहजात शस्य क्रय कर प्रस्ताव दी सरकार और आगंतक पाँच बस चुक्ति प्रस्ताव दी सरकार पाँच बस प्रस्ताव आज पाँच बस और सरकार प्रस्तावक एक ना उल्लेख कर कृषक नेता सरकार जो प्रस्ताव दी प्रस्ताव एक ना उल्लेख कर केन्द्र सरकार प्रस्तावक अग्राह्य कर कृषक केन्द्र सरकार जो प्रस्ताव कर प्रस्तावक अग्राह्य कर समाधान सूत्र उलवा ना कृषक और केन्द्र सरकार मानव बर्तमान पर्यंत समाधान उलवा ना और एक फेब्रवर पुनः आरम्भ हम दिल्ली चलो अभियान दिल्ली चलो अभियान पुनः आरम्भ हम कृषक समस्या समाधान हुआ ना कृषक एम एस पी माहजात शस्य क्रय कर प्रस्ताव दी सरकार सरकार प्रस्ताव दी और आगंत पाँच बस चुक्ति प्रस्ताव सरकार दी कृषक दी चुक्ति प्रस्ताव और सरकार प्रस्ताव एक ना उल्लेख कर कृषक नेता कृषक नेता सकले उल्लेख कर एक ना सरकार जो प्रस्ताव दी प्रस्ताव एक ना उल्लेख कर और केन्द्र सरकार प्रस्तावक अग्राह्य कर कृषक अग्राह्य कर पुनः दिल्ली कपाबले सजू से हजार हजार कृषक समाधान सूत्र उलवा ना कृषक और केन्द्र सरकार मजब केन्द्र सरकार और कृषक मजब समस्या समाधान उलवा ना विफल जी आलोचना कृषक केन्द्र सरकार आलोचना विफल हुआ पर जार बे पुनः दिल्ली कपाबले सजू से हजार हजार कृषक प्रतिबाद सब्यस्त पुनर्बार प्रतिबाद सब्यस्त हजार हजार कृषक जी आगंत पाँच बस चुक्ति दी सरकार कृषक चुक्ति दी आगंत पाँच बस चुक्ति दी कि प्रस्ताव एक ना उल्लेख कर कृषक नेता केन्द्र सरकार प्रस्तावक अग्राह्य कर कृषक अग्राह्य कर आलोचना कृषक और केन्द्र सरकार मजब जी आलोचना आलोचना पुनः अग्राह्य कर विफल आलोचना और समाधान सूत्र बर्तमान पर्यटन उलवा ना और जार बे इतना एक फेब्रवर पुनः आरम्भ हम दिल्ली चलो अभियान एक फेब्रवरी आरम्भ हम ये अभियान और कृषक पुनः प्रतिबाद सब्यस्त कर दिल्ली कपाबर इतना सजू से हजार हजार कृषक प्रतिबाद उत्ताल प्रतिबाद सब्यस्त कर दिल्ली और प्रतिबाद पुनः सब्यस्त करजू से इतना कृषक यह मुहूर्त जाना समाधान सूत्र उलवा ना इतना कृषक और केन्द्र सरकार मजब पुनर्बार विफल आलोचना विफल केन्द्र सरकार और कृषक और एक फेब्रवर पुनः एक फेब्रवर पुनः आरम्भ हम इतना कृषक चलो दिल्ली चलो अभियान दिल्ली चलो अभियान पुनः आरम्भ हम एक फेब्रवर जीतु आगंत पाँच बस चुक्ति प्रस्ताव दी सरकार सरकार प्रस्ताव दी और सरकार प्रस्ताव एक ना उल्लेख कर कृषक नेता उल्लेख कर सरकार जी प्रस्ताव दी दाखिल कर प्रस्ताव एक ना केन्द्र सरकार प्रस्तावक जार बे अग्राह्य कृषक अग्राह्य कर केन्द्र सरकार प्रस्तावक समाधान सूत्र उलवा ना कृषक और केन्द्र सरकार मजब कोरण समाधान उलवा ना कृषक और केन्द्र सरकार मजब जी आलोचना आलोचना विफल कमाधान उलवा ना केन्द्र सरकार जी प्रस्ताव दी कृषक प्रस्ताव अग्राह्य कर कृषक और जार बे दिल्ली कपाबर पुनर्बार सजू से कृषक हजार हजार कृषक सजू से एक फेब्रवर पुनः आरम्भ कर दिल्ली चलो अभियान दिल्ली चलो अभियान पुनः आरम्भ कर कृषक कृषक जीतु एम एस पी माहजात शस्य क्रय कर प्रस्ताव दी सरकार प्रस्ताव दी कृषक माहजात शस्य क्रय और आगंत पाँच बस चुक्ति प्रस्ताव दी कृषक कि चुक्ति इतना अग्राह्य कर कृषक अग्राह्य कर केन्द्र सरकार जी प्रस्ताव दाखिल कर एक फेब्रवर पुनः आरम्भ हम इतना दिल्ली चलो अभियान पुनः आरम्भ हम कृषक पुनः उत्ताल प्रतिबाद सब्यस्त कर हजार हजार कृषक पुनः प्रतिबाद दिल्ली पुनः दिल्ली कपाबर पुनर्बार सजू से इतना कृषक सजू से जीतु सरकार प्रस्ताव अग्राह्य कर केन्द्र सरकार जी प्रस्ताव दी प्रस्ताव अग्राह्य कर पुनर्बार दिल्ली कपाबर सजू से इतना हजार हजार कृषक सजू से जीतु केन्द्र सरकार जी आलोचना करोचना विफल हुआ पर
যার বাবে পুনৰবার দিল্লী কপপৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক সাজু হৈছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবক অগ্রাহ্য করেছে, এটা কৃষক সকলে অগ্রাহ্য করেছে, কোনো ধরনের সমাধান সূত্র ওলোয়া নাই কৃষক আর কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে। কৃষক আর কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যেহেতু আলোচনা হয়েছিল, সেই আলোচনাত কোনো ধরনের সমাধান সূত্র ওলোয়া নাই কৃষক আর কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে, সমাধান সূত্র ওলোয়া নাই। আর যার বাবে 21 ফেব্রুয়ারির পুনের আরম্ভ হব দিল্লি চলো অভিযান, পুনের দিল্লি চলো অভিযান আরম্ভ হব। আর কৃষক সকলে পুনর্বার দিল্লি কপাবর সাজু হয়েছে, হাজার হাজার কৃষক সাজু হয়েছে দিল্লি কপাবর। কৃষক যেহেতু কৃষকরপর MSP-ত মাহজাতীয় শস্য ক্রয় করার প্রস্তাব দিছিল সরকারে, সরকারে প্রস্তাব দিছিল যে কৃষক সকলের মাহজাতীয় শস্য ক্রয় করব, আর আগন্তক 5 বছরের চুক্তির প্রস্তাব দিছিল সরকারে, সরকারে প্রস্তাব দিছিল 5 বছরের মাহজাতীয় শস্য ক্রয় করব। কিন্তু সরকারের প্রস্তাবত একোই নাই বলে উল্লেখ করেছে এটা কৃষক নেতায়, কৃষক নেতায় উল্লেখ করেছে সরকারের প্রস্তাবত একোই নাই, যার বাবে কৃষক সকলে সরকারের প্রস্তাবক অগ্রাহ্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর দিল্লি কপাবর পুনর্বার সাজু হয়েছে বিফল হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক সকলে যে আলোচনা করেছিল সেই আলোচনা বিফল হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর পুনর্বার দিল্লি কপাবলে এটা হাজার হাজার কৃষক সাজু হয়েছে, হাজার হাজার কৃষক ওলাই আসব। 21 ফেব্রুয়ারিত পুনের আরম্ভ করব দিল্লি চলো অভিযান, দিল্লি চলো অভিযান পুনর্বার আরম্ভ হব, কৃষক সকলে আরম্ভ করব। काल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबको बड़ी इंतजार थी कि प्रपोजल आई है उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर MSP की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर सौ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर MSP दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर MSP की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा कि इसे अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा
कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5, उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे, जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है, ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग को मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार MSP अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर MSP की अनाउंसमेंट होती है, वो इन्हीं के ही CACP की सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें CACP के अनुसार MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे, तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें। और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की, अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए हमारी, उस रेट पे तो बिक जाए। और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं।